हमने कल बोला हमारे छाले हो गए तो आज हमें तो पलंगे वाला दूध वाला शरबत मिल गया है। भाई कबाब की रेसिपी जो है बड़ी सिंपल सी और टिकाऊ सी है। देखा दिल्ली नेले से ये फायदा होता है, हमने दी थी ना इफ्तारी, उन लोगों ने हमें इतने सारे केक दिए हैं। यार वैसे एक बात है, आपका भाई ब्लैक ड्रेस में बड़ा स्मार्ट लगता है कि नहीं? लगता ही नहीं हूँ, मेरा पांच बच्चों का बाप हूँ यार। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे भाई सब, आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। और सबसे पहले एसी ऑन कर लो भैया, बड़ी गर्मी हो गई है भाई। ये देखो भाई साहब 91 फ़ारेनहाइट हो रहा है, अब माहौल बन गया भाई। सबसे पहले तमाम व्यूअर्स को दुनिया भर में जहाँ से भी देख रहे हैं सबको रमजान करीम का पहला जुम्मा मुबारक हो। जुम्मा मुबारक टू एवरीवन। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, आप लोग को भी ऐसा लगता है कि जुम्मे वाले दिन एक अलग ही किस्म की गर्मी होती है कि नहीं? अभी देखो वैसे तो दिखने में मौसम बड़ा जबरदस्त लग रहा है, बड़ी अच्छे अच्छे जो है ना बादल शादल आए हुए हैं और बड़ी जबरदस्त सी हवाएं चल रही है, लेकिन इन हवाओं के अंदर जो गर्मी है ना उसकी शिद्दत बड़ी जबरदस्त है। मतलब आप 91 को डिवाइड कर लेना कराची में कितनी गर्मी होती होगी, 40-45 समथिंग जा रहा है। कल्याण जिस तरह सिब्बी में गर्मी पड़ती है ना उतनी गर्मी पड़ रही है। ऊपर से इमाम साहब भी जो है ना वो खौफनाक जो है ना बयान दे रहे हैं, बंदा जो है ना वैसी गर्मी में ये हो रहा है, लेकिन वो मोटिवेशनल स्पीच देने के चक्कर में किसी ने दोजक की आग गर्मी और ये और वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। बंदा बोले नहीं यार ये दुनिया की जो गर्मी है ना इसी को बर्दाश्त कर ले बंदा, आखिरत में फिर पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे अल्लाह अल्लाह कर ले ताकि आगे के लिए भी आसानियाँ हो जाए। पहला साल है उस लिहाज से कि जैनब का स्कूल जो है ना चल रहा है, रमजान की रूटीन आई डोंट नो पेरेंट्स कैसे करते हैं। कल भी अपनी वाइफ की तारीफें कर करके मेरा मुंह ही थक रहा था कि इतनी मतलब मेहनत ये लोग करती हैं खवातीन। और आज मुझे इस बात का रियलाइज हो रहा है कि माँ बाप ने हमें पूरे इतने साल पढ़ाया स्कूल के अंदर, अभी दो दिन की छुट्टी आ रही है, मुझे इतनी खुशी हो रही है सैटरडे संडे की। ठीक है स्कूल तो कम अज कम छोड़ना नहीं पड़ेगा, लेना नहीं पड़ेगा, जॉब तो अपनी चलती रहेगी, लेकिन इससे सुकून है जहनी सुकून। से डिलीवरी आ गई है और मैकडोनल्ड से डिलीवरी आने के बाद एक सवाल जहन में आ रहा है, आप लोग मेरी हेल्प करें। वैसे तो हम लोग बाइकआउट कर रहे हैं बड़ा जोर शोर से, लेकिन हम लोग तो बहुत पहले से बाइकआउट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग मैकडोनल्ड यहाँ पे खा ही नहीं सकते। तो अब हम खा तो नहीं रहे, लेकिन टेंशन ये हो रही है कि ये जो मैं डिलीवर कर रहा हूँ मैकडोनल्ड से लेके, क्या इसको भी बाइकआउट करना चाहिए या नहीं? जो यहूदियों के स्टोर्स हैं उधर से हमने लेना करना छोड़ दिया है। स्टारबक्स तो मैं पहले ही नहीं जाता था, डंकिन डोनट भी कभी कभी चले जाते थे तो वो भी नहीं हो रहा, तो मतलब जहाँ से हम लेते थे वहां से तो हमने खाना पीना छोड़ दिया है। लेकिन अभी जो डिलीवरीज आ रही है इसका क्या करें, क्या ये भी मुझको बाइकआउट करना चाहिए नहीं चाहिए? आप लोग जरा गाइड करें, कुछ मशवरा वगैरह दे दें मुझे। करना चाहिए तो फिर मैं क्या क्या बाइकआउट करूं जरा वो भी बताइए, क्योंकि पेट्रोल पंप भी इनके ही है भाई। जाने कहां गए वो दिन जब $22 में $20 में टैंक फुल हो जाता था, और अभी देख लो भैया $32 में टैंक फुल हुआ है। जी मैं कहां आ गया हूं, जमैकन डच पॉट। ये जमैका जो है अमेरिका से थोड़ा नजदीक ही है, यहाँ पे जमैकन डॉलर चलते हैं, इनकी कुछ पिक्चर्स यहाँ पे उन्होंने बनाई हुई हैं। इनके खाने कुछ कुछ हमारे जैसे ही होते हैं, करी वाले और शोरबे वाले और मसाले वाले, लेकिन ये है कि जाहिर है कि हलाल वर्जन नहीं है। जमैका में भी काफ़ी सारे मुसलमान हैं, आई थिंक 5 to 10,000 मुस्लिम वहाँ रहते हैं। ये अपीयरेंस दी भी छोटे रेस्टोरेंट के हिसाब से। This is America. आ गए हैं पिज्ज़ा शॉप, और ये देखो जी कितनी तरक्की हो चुकी है। जो मशीन के अंदर नाम लिखे ना जी, ये लोगों के नाम है, पिज्ज़ा शीज़ा रेडी है, आपने इधर आना है, कोड शोड डालना है अपना 63। ये कोड डालने के बाद जो है ना आपका जो है ना बॉक्स खुल जाता है, उसके अंदर जो है ना पिज़्ज़ा रखा हुआ है गर्मा गर्म, देख संभल के उठाना, बड़ा हॉट होता है, और जी रेडी टू गो। ज़बरदस्त हो गया जी, ज़बरदस्त। खवातीनो हज़रात, नमाजी असर का वक्त हुआ चाहता है, अपने मुकामी वक्त के हिसाब से नमाज अदा कर लीजिए। मैं आ गया हूँ नूरुल इस्लाम। यार वैसे एक बात है, आपका भाई ब्लैक ड्रेस में बड़ा स्मार्ट लगता है कि नहीं? लगता ही नहीं हूँ, मैं चार बच्चों का पांच बच्चों का बाप हूँ यार, जबरदस्त। अरे कहना क्या चाहते हो? अर्ली मैरिज का ये भी फायदा है कि ना आप जल्दी जल्दी शादी हो जाती है, जल्दी जल्दी बच्चे हो जाते हैं, तो आप बच्चों के साथ ही बड़े हो रहे होते हैं, और लगता ही नहीं कि बच्चे और अब्बू में जो है ना एज का कोई डिफरेंस है, दोनों दोस्त दोस्त लग रहे होते हैं। इतना तो मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलाऊंगा जितना मैं अपने बच्चों के साथ आजकल खेल रहा हूँ। मैं पहुंचा बिल्कुल लेट, तो जमात निकल गई थी, एक बंदा पाकिस्तानी हमें मिल गया था, उसने कहा सर आप करा लें। मेरे समझ में नहीं आता मुझे लोग देखते ये क्यों कहते जमात आप करा लें, ऐसा भी क्या है यार। चलो जी नमाज असर हो गई है, जुम्मे का दिन है, तो आज जो है ना अच्छी बात यहीं पे कर लेते हैं। अब ये कोई शाने रमजान तो चल रहा नहीं है कि मैं बिल्कुल एंड में बताऊंगा, तो हम अभी कर लेते हैं। मेरा चैनल मेरी मर्दी, तो आज जुम्मे का दिन है, तो आज की अच्छी बात ये है कि जुम्मे के दिन हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर आप भी दुरूद भेजिए, मैं भी दुरूद भेजूंगा, भेज चुका हूँ। जितनी ज्यादा कसरत से जुम्मे के दिन आप दुरूद भेजेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाब भी मिलेगा, इसमें आपका ही फायदा उनका फायदा नहीं है। मेरा मोस्ट फेवरेट जो दुरूद है वो दुरूद इब्राहिम है। ठीक है थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन यह है कि उसको पढ़ने में मजा
आता है ना उसकी बात ही कुछ और नहीं है, लेकिन आप छोटा वाला भी पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है, ज्यादा ज्यादा सवाब हासिल कर ले, रमजान भी चल रहे हैं और क्या चाहिए भाई। दबा पढ़ के भी सुना देता हूँ ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भैया आज भी लेट हो गया हूँ मैं इफ्तारी के लिए, अब कल से मैं जो है ना पानी रख के देख लूंगा, पीऊंगा नहीं बीच बीच में, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया तो फिर दार खोलना पड़ेगा ना भाई। अल्हम्दुलिल्लाह भाई आज जो है ना सैंडविच थोड़ा सा ये चेंज है कुछ चिकन का, और अल्लाह भले करे दूध वाला जो है वो शरबत आ गया है, फ्रूट के अंदर जो है वो कीवी भी ऐड कर दी है, बाकी सब वही है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई ये भी है साथ साथ हरी मिर्च भी है, और ये जो है ना रोल जरा फट गया, ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट गन की कोई गोली नहीं होती, वैसा लुक आ रहा है इसका। बच्चों क्या आया है डिजर्ट्स, देखा दे लेने ले से ये फायदा होता है, हमने दी थी ना इफ्तारी, उन लोगों ने हमें इतने सारे केक दिए हैं, पेस्ट्रीज दी हैं, यू यम्मी 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 यम्मी। ये कैरेट वाला खाओगी? ओके ये देखो भाई, हमने कल बोला हमारे छाले हो गए तो आज हमें दुख पलंगिया वाला दूध वाला शरबत मिल गया है, ये भाई जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ये ज़ावियर, हेलो ज़ावियर, गुड लक, आ जाओ आ जाओ, भागो 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 भागो, रेडी 1 2 3, रेडी 1 2 3, ये गिर गया, भाग गया, ज़ारा भी आ गया, ये ज़ैनब भी आ गया। इतना नहीं भगाओ भाई, दोबारा भूख लगने लग जाएगी मुझको, अभी शहरी में भी खाना है। ये जो है भाई, ये देखें भाई, ये ज़ैनब पूछ रही है क्या है, ये निशाने हैदर है ज़ैनब, ये सिर्फ शादी शुदा लोगों को मिलता है। ओके बोल दो बोल दो बोल दो, चलो भाई जल्दी से, अब हम जाएंगे तरावी के लिए, तरावी पढ़ने के लिए निकलना है जल्दी से। तक ज़ैनब तैयार होके आ रही है तैयारी के लिए, मैं जल्दी से रेसिपी शेयर कर लेता हूँ आप लोग के साथ। दो लोगों के कमेंट आए थे कि भाई वो कबाब की रेसिपी बता दें, तो भाई कबाब की रेसिपी जो है बड़ी सिंपल सी और टिकाऊ सी है, कहने का मकसद ये है कि जैसे नॉर्मल आपने शामी कबाब बनाने होते हैं ना वैसे ही शामी कबाब बनेंगे, सिर्फ करना ये है कि जैसे पहले की नानियाँ दादियाँ पीसा करती थी सिल के ऊपर, हमने क्या किया, हमने उसको दाल घोटने से पीस लिया, मतलब हमने क्या किया, हमारी वाइफ ने किया बड़ी मेहनत और मुशक्क़त के बाद, और उसको रेशा रेशा सा छोड़ दिया, जब ही इसका नाम है रेशा कबाब, रेशा छोड़ने से टेक्सचर चेंज हो जाएगा और जायका भी चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप सिल से पीसेंगे तो तब भी जायका बड़ा मज़ेदार होगा, लेकिन सिल से ज़्यादा मेहनत हो जाएगी, इतनी भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको दाल घुटनी से करके देखो, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आ रहा है, अंडे शंडे भी डाल लेना भाई। इस तरावी पे ज़ैनब भी जा रही है, फ्राइडे और सैटरडे को ज़ैनब भी जाएगी हमारे साथ तरावी पढ़ने। ओके ज़ैनब, ये ओए कितना प्यारा स्कार्फ पहना हुआ, माशाल्लाह माशाल्लाह। Gifts and good tidings for family, friends, and neighbors, and Ramadan in the Al-Fitr this year. I know a great numbers all over the world pray for the support of the city of Bedford Pines under the leadership of ever since we have established our room here in Bedford Pines. She wins on Tuesday, we'll have another celebration here, darling. All right? When she wins on Tuesday. तो भैया आज जो है ना वो इलेक्शन आने वाले हैं ना, तो मेयर वाइस मेयर कमिश्नर ये सब आए हुए थे। ये कार देख रहे हैं ना, पुलिस की कार यहाँ पे एक्टिव रहती है हर वक्त से, तो बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है। 911 कॉल करो विद इन 2-3 मिनट जो है ना वो एम्बुलेंस भी आ जाती है और पुलिस भी आ जाती है, लेकिन फिर भी ये ना फलस्तीन की वजह से जो जंग वगैरह चल रही है ना, तो यहूदी भी डरे हुए हैं, हम लोग डरे हुए तो नहीं है, लेकिन ये है कि हम फंस जरूर सकते हैं, इसलिए हमने जो है ना इस तरह से रखा हुआ है। तो यहाँ की जो कमिश्नर हैं, यहाँ के जो वाइस मेयर हैं, ये काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो इलेक्शन आने वाले हैं तो इसलिए वो लोग आए हुए कि भैया वोट हमको ज़रूर देना, इनको वोट हम दें ना दें फिर भी जो है वो यहाँ की सिक्योरिटी तो यू नो पूरी वर्ल्ड वाइड फेमस है, मशहूर है। तो खैर अब यहाँ पे करेंगे वीडियो का एंड, और अब मिलेंगे इंशाल्लाह ताला आपसे टुमारो और मे बी सहरी में, लेट्स सी, मेरी तबीयत के ऊपर डिपेंड करता है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अगर सजेस्टेड वीडियो वाले हैं तो भैया लाइक करके और सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।